हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल मालिक जहां। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए ये ब्लेड, डायमंड वाला ब्लेड है मेरे पास। इसको मैं आपको बताने वाला हूं आज कि इसको फास्ट और अच्छे से शार्प कैसे करें। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने आज ये वाला ब्लेड, इस वाले ब्लेड पे आज मैं इसको शार्प करके दिखाता हूँ। ये जो आम कारपेंटर भाई के पास सिली रहती है, इस पे ये वाला डायमंड वाला ब्लेड जो होता है, इस पे अच्छे से ये शार्प नहीं हो पाता है। तो एक और सिली मैंने बनाई हुई है, ये देख सकते हैं आप। इसमें रेगमाल की पट्टी लगाई हुई है मैंने 120 नंबर की, तो ये भी आप बना सकते हो। इस पे भी इजी तरीके से इस पे शार्प कैसे करना है और ये बनानी कैसे है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पे इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए, मैं आपको फ़िलहाल आज इस पे आपको शार्प करके दिखाऊंगा। एक बार क्या होता है कि हमें टाइम की किल्लत होती है, टाइम हमारे पास कम होता है, तो उसके लिए इस पे, इस वाले ब्लेड पे जो बहुत ही ईजी तरीके से शार्प हो पाती है और फास्ट तरीके से टाइम बचता है हमारे पास। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि हम ऐसे वुडवर्किंग से रिलेटेड ईजी टिप्स एंड शॉर्टकट ट्रिक्स आपके लिए लाते रहते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, मैंने ये इस ब्लेड जो है हमारे पास, ये मैंने एक फ्लाई के पीस में एडजस्ट कर लिया है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। तो इसमें हम पानी लगा के थोड़ा अपने ब्लेड बिल्कुल जैसे धार है इसमें वैसे रखना है, ऊपर नीचे नहीं रहना चाहिए। तो आपने इसको हल्के हल्के हाथों से ऐसे शार्प करना होगा। तो चलिए मैं आपको शार्प करके दिखाता हूँ। दोस्तों, मैंने ये शार्प कर लिया है, अब हम इसकी सफाई कर लेते हैं। ये वाली सिली लेके हल्के हल्के हाथों से आपने इसकी सफाई करनी होगी। तो चलिए मैं आपको सफाई करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने ब्लेड बिल्कुल शार्प कर लिया है बहुत ही इजी तरीके से और फास्ट। अब दिखाते हैं आपको, ये पेपर लिया हुआ मैंने, ये देख सकते हैं आप कैसे मक्खन की तरह इसको काट रही है, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।